नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के 9 वर्ष भारत के लिए गौरव और सुरक्षा का काल। सरकार ने वर्ष 2030 तक 1,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने को कहा। सेवा भुगतान के लिए आधार चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए इस वर्ष मई में सर्वाधिक 1,06,00,000 से अधिक लेन देन दर्ज किया गया। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भारत ईरान को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण, गौरव और सुरक्षित भारत का काल है। बिहार के लखीसराय में एक जनसभा में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं, मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं, मोदी जी के ये 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। श्री शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विपक्षी एकता को एक दिखावा बताया। श्री शाह ने कहा कि नीतीश कुमार राज्य में अपनी कुर्सी बचाए रखने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि जिन 20 विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं, उन दलों पर वर्ष 2004 से 2014 के बीच 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत दूसरे देशों से रक्षा उपकरण आयात करता था, लेकिन अब निर्यात कर रहा है। श्री सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा के यमुनानगर में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। भारत जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मॉर्गन स्टेनले ये फर्म यह कहती है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी ठीक 4 वर्ष के बाद यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश को आगे बढ़ाया है, बल्कि इसकी राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने राजस्थान के भरतपुर में एक जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है, जबकि अन्य राजनीतिक दल परिवार की पार्टी बन गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% रह गई है। ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप में नंबर 1 पर खड़ा, जहां भ्रष्टाचार आकर्ष डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मणिपुर की स्थिति को लेकर ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील होना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रशासन ने श्री गांधी से चूड़ाचांदपुर जाने के लिए सड़क के बजाय हेलीकॉप्टर लेने का अनुरोध किया था, लेकिन वे सड़क मार्ग से जाने के लिए अड़े रहे। ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाए। और मैं आपको बता दूं, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था। माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी।
इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा है कि श्री गांधी भारत जोड़ो यात्रा जारी रखने के लिए मणिपुर गए लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मानालो ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पार अपराध सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि व्यापार और निवेश, विकास सहयोग, स्वास्थ्य और फार्मा, पर्यटन, कृषि और अंतरिक्ष सहयोग सहित बढ़ते आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की गई। आई थिंक मेनी ऑफ द पॉइंट्स यू मेड देयर व्हिच इज दैट आवर डोमेस्टिक एजेंडा ऑफ बोथ कंट्रीज इज फोकस्ड ऑन इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, दैट बिजनेस टू बिजनेस इज द पाथवे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर डिफेंस कोऑपरेशन, द नीड टू स्टेबिलाइज द इंडो पैसिफिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग रूल ऑफ लॉ एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म एंड द फैक्ट दैट वी आर बोथ डेमोक्रेटिक एशियन रिपब्लिक्स। आई थिंक ऑल दीज मैसेजेस रियली रेजोनेट वेरी वेरी स्ट्रांगली विद अस। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी हैव ऑफ कोर्स बीन वेरी कीन टू एंगेज योर गवर्नमेंट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रूपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बैंकों से वर्ष 2030 तक 1,000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और इसमें वृद्धि करने को कहा है। श्री गोयल ने छोटे निर्यातकों को निर्यात ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के मुद्दे पर बुलाई गई एक बैठक में ये बात कही। इस बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 21 बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए सेवा भुगतान में इस वर्ष मई में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान ये 1,06,00,000 के उच्चतम स्तर को पार कर गया। ये सुविधा अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव अनुराग जैन के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री जैन ने पिछले 9 वर्षों में मंत्रालय की उपलब्धियों की व्यापक जानकारी दी। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग इट इज इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इट्स प्लानिंग कीपिंग मल्टी मोडलिटी इंटू अकाउंट, इट इज टेकिंग इंटू अकाउंट वेयर द रेलवे नेटवर्क गोज, हाउ डज इट कनेक्ट द पोर्ट्स, हाउ डज इट कनेक्ट द इंडस्ट्रीज, हाउ डज इट इम्प्रूव द लॉजिस्टिक एफिशियंसी ऑफ द कोर कम्पोनेंट्स लाइक कोल मूवमेंट, द स्टील मूवमेंट, द फूड फर्टिलाइजर मूवमेंट, सीमेंट मूवमेंट। सो दिस होलिस्टिक प्लान मेक्स इट डबली एफिशियंट। सो इन दीज 9 ईयर्स द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इम्प्रूव। ये भेंटवार्ता आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया।
लोगों ने आज ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए सभी की खुशहाली और संपन्नता की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के मौके पर भी लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि ये पवित्र दिन वारकरी परंपरा के अनुसार लोगों को निष्ठा, सम्मान और सहानुभूति के मूल्यों से प्रेरित करेगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए आज जम्मू में तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अपंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक केंद्र बनाया गया है। साधुओं के लिए पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर परिसर में विशेष शिविर स्थापित किया गया है। यात्रा के लिए 1000 से अधिक तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भूस्खलन के कारण बंद हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला प्रशासन ने फंसे यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यात्री वाहनों को बद्रीनाथ, पादुकेश्वर, गोविंद घाट, जोशीमठ, पीपलकोटी, मायापुर, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोचर और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों से सड़क खुलने पर ही यात्रा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बुसान में आज भारत ने ईरान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार चौथी जीत है। भारत ने अब तक खेले गए 8 चैंपियनशिप में 7 बार जीत हासिल की है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत किर्गिस्तान और हंगरी में प्रशिक्षण के लिए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों पहलवानों ने मंत्रालय और टॉप्स को अपने प्रस्ताव भेजे थे और उनके अनुरोध के 24 घंटे के अंदर ही इसकी मंजूरी दे दी गई। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2 दिन के दौरान देश के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ेगा। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटका, केरल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। तंजानिया के आरुषा में भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक आज संपन्न हो गई। 2 दिन की इस बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के संदर्भ में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार के 9 वर्ष भारत के लिए गौरव और सुरक्षा का काल। सरकार ने वर्ष 2030 तक 1000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने को कहा। सेवा भुगतान के लिए आधार चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए लेन देन इस वर्ष मई में सर्वाधिक 1,06,00,000 से अधिक दर्ज किया गया। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया और भारत ईरान को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।